मक्कल सिंह जी का काफी नाम है और आसपास के एरिया में भी काफी नाम है, जो पास ही साथ लगती कुशतर लोकसभा है उसमें भी काफी नाम है इनका, तो निश्चित तौर से पार्टी को बड़ा लाभ मिलेगा। और आज उनके नेतृत्व में काफी बड़ी संख्या में आसपास के सरपंचों ने, जिला परिषद के मेंबर ने और दूसरे लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है, तो निश्चित तौर से उससे काफी लाभ होगा पार्टी को। देखिए वैसे तो वैचारिक दृष्टि से भी लोग धीरे धीरे वो समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक राष्ट्रवादी पार्टी है, राष्ट्र के लिए काम कर रही है, डेवलपमेंट की बात भी है, ये भी है। और दूसरी बात ये है कि भाई जिस प्रकार का माहौल आज इंडियन नेशनल लोकदल में, ऐसे में कौन रहना चाहेगा, और वहाँ केवल लड़ाई परिवार की लगती है लोगों को, तो ऐसे में लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ जैसे आ रहे हैं। मोदी जी जो काम कर रहे हैं और मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से डेवलपमेंट के काम किए हैं और सबका साथ सबका विकास और जिस प्रकार से नौकरियां जिस प्रकार से, तो आम आदमी उससे बहुत प्रभावित है और वो सोचता है कि भाई ये पार्टी वास्तविकता में, पहले केवल नारों की पार्टियां थी, अब काम की पार्टी है जो काम करके दिखा रही है, तो निश्चित तौर से उनको लगता है कि प्रैक्टिकल जो धरती पे काम होता दिखता है तो प्रभावित है लोग पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए आज तक कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता को झूठ बकाने का काम किया है, तो निश्चित तौर से मेरे ख्याल से लोग उससे खुश होने की बजाय नाराज होंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये कोई आज की बात नहीं है, जिस दिन से सरकार बनी थी कांग्रेस की तब से झूठ पकाना शुरू किया था और अब तक भी उसी प्रकार से गुमराह करने का प्रयास करते हैं। सब लोगों को पता है कि ये कोई करने वाला होने वाला काम नहीं इनका, जो ये केवल लोगों को बहका के करते हैं। ये छोटे छोटे काम तो कर नहीं सके, गैस नहीं दे सके, शौचालय तो बनवा नहीं सके, मतलब ऐसी मूलभूत काम जो थे जिनको करना था, जिस महात्मा गांधी जी ने आज से 100 साल पहले कहा था कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने कभी ध्यान दिया क्या उसके पास? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब कहा कि खुले में शौच नहीं जाना चाहिए, अपील की, तो जनता ने भी साथ दिया और जनता ने और सरकार ने मिलकर कितना बड़ा परिवर्तन कर दिया। तो ये सरकार जो है, ये सरकार केवल सरकार और जनता लगनी है या जनता और सरकार इकट्ठी की, तो मोदी जी सारी जनता का सहयोग लेके देश में एक बड़ा परिवर्तन कर रहे, तो परिवर्तन आज दिखाई भी देते हैं। नहीं देखिए जिन्हें जिनका मान लीजिए जिसने अपना परिवार आगे नहीं बढ़ाया, इसका मतलब ये नहीं है उन परिवार इसलिए नहीं बढ़ाया कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं, जनता की सेवा करना चाहते हैं, और प्रैक्टिकल क्या हो जनता की सेवा करने से, चाहे मोदी जी की बात है चाहे मनोहर लाल जी की बात है, अगर उन्होंने परिवार नहीं आगे बढ़ाया अपना, तो जनता की सेवा किस प्रकार से। उन्होंने तो एक बार ये भी कहा था कि मनोहर लाल जी क्या पता बेटी क्या होती है, लेकिन आज मनोहर लाल जी ने बेटियों के लिए जो काम किया वो अपने आप में बेमिसाल है। अभी कॉलेजों की घोषणा की, जब 22 कॉलेजों की घोषणा की तो उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम हरियाणा में ऐसा एक वो लेके आएंगे, कानून लेके आए, और उन्होंने कहा कोई भी बेटी 20 किलोमीटर से ज़्यादा पढ़ने के लिए जाएगी, और आज उन्होंने एक ऐसा कानून बना दिया, उसमें उन्होंने 44 कॉलेज बनाए, 29 जो कॉलेज हैं वो लड़कियों के लिए बनाए, ताकि कोई भी बेटी, वो किसी भी बिरादरी की है किसी की भी है, पूरे हरियाणा में कहीं नहीं जाएगी पढ़ने। पहले क्या होता था कि हर जगह कोई कहता था, अगर मेरा परिचित है तो वहाँ कॉलेज खुल जाएगा, मेरी बिरादरी है तो वहाँ कॉलेज खुल जाएगा, मेरा दोस्त है तो वहाँ हो जाएगा, कोई पैसे वाला आदमी है पार्टी वाला आदमी खुलवा देगा, लेकिन उन्होंने सबके लिए चिंता इस प्रकार से की है। सर,